ओलंपिक में भारत को पहला मेडल, वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जीता सिल्वर। गुरु पूर्णिमा के मौके पर राहुल गांधी का ट्वीट, सत्य ही गुरु है, गुरु पूर्णिमा की शुभकामना। यूपी में सभी बड़े नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारेगी बीजेपी, बीजेपी ने चुनाव को लेकर शुरू की तैयारी। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत नाजुक, हर पल मॉनिटरिंग जारी। सीएम योगी का देवरिया दौरा आज, महर्षि देवरहवा बाबा मेडिकल का करेंगे निरीक्षण। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। तेज रफ्तार का आए दिन कहर बना हुआ रहता है। यूपी के चार अलग अलग जिलों की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे बड़ा सड़क हादसा शाहजहांपुर में हुआ है, जहां तेज रफ्तार कार ने दो बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इलाज के दौरान घायल ने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी तस्वीर बाराबंकी की है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार श्रद्धालुओं को एक विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तीसरी तस्वीर हम आपको बदायूं से दिखा रहे हैं, जहां कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर दो लोगों की मौत हो गई और दो लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। तो तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो शाहजहांपुर से है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। दूसरी तस्वीर बाराबंकी से है, जहां पर एक ट्रक ने ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में करीब चार लोगों की मौत हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। वहीं तीसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो बदायूं से है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो तीन जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये सड़क हादसा हुआ है। वहीं शाहजहांपुर में गुरु पूर्णिमा के पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जहां मंदिरों में लोग पूजा अर्चना कर अपने गुरु को ध्यान कर रहे हैं। वहीं गायत्री परिवार के लोग गायत्री मंदिर में आचार्य श्री राम शर्मा और माता भगवती देवी शर्मा को नमन करके गुरु पर्व मना रहे हैं। यहां गायत्री परिवार के सैकड़ों कार्यकर्ता कोरोना गाइडलाइन के तहत हवन पूजन कर अपने गुरु को याद कर रहे हैं। तो शाहजहांपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर गुरु पूर्णिमा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। आपको बता दें कि यहां मंदिरों में लोग पूजा अर्चना करके अपने गुरु का ध्यान कर रहे हैं। साथ ही साथ गायत्री परिवार के लोग गायत्री मंदिर में आचार्य श्री राम शर्मा और माता भगवती देवी शर्मा को नमन करके गुरु पर्व मना रहे हैं। यहां गायत्री परिवार के सैकड़ों कार्यकर्ता कोरोना गाइडलाइन के तहत हवन पूजन करके अपने गुरुओं को याद कर रहे हैं। रुक करते अगली खबर की ओर। आजमगढ़ के माफिया अखंड प्रताप सिंह ने जो अवैध आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया था, अब उस पर नजर सरकार की पड़ी है और ऐसे माफियाओं की संपत्ति इस सरकार में कुर्क की जा रही है। बड़े अपराधियों के विरुद्ध और शिकंजा कसते हुए जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार ने गैंगस्टर एक्ट में नामित अखंड प्रताप सिंह के अवैध ढंग से अर्जित की गई संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था। कई थानों की फोर्स और तहसील के अफसरों की मौजूदगी में नगर तहसील क्षेत्र के जमुआ और नंदवा गांव में माफिया की जमीन कुर्क की गई है। कुख्यात गैंगस्टर अखंड प्रताप सिंह और उसकी पत्नी वंदना सिंह के नाम की अपराध जगत से अर्जित संपत्ति की कुर्की के आदेश जिलाधिकारी महोदय द्वारा किए गए थे और इसकी जब्तीकरण की कार्रवाई कल राजस्व अधिकारीगण द्वारा और पुलिस के अधिकारियों द्वारा ग्राम नदवा और जमुआ में की गई। इस जब्त की गई कुल संपत्ति की कीमत लगभग 1,88,00,000 है। तो आपको बता दें कि आजमगढ़ के माफिया अखंड प्रताप सिंह ने जो अवैध आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया था, अब उस पर
सरकार की नजर पड़ी है। आपको बता दें कि ऐसे माफियाओं की संपत्ति सरकार कुर्क कर रही है। वहीं बड़े अपराधियों के विरुद्ध और शिकंजा कसते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार ने गैंगस्टर एक्ट में नामित अखंड प्रताप सिंह की अवैध ढंग से अर्जित की गई संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था। कई थानों की फोर्स और तहसील के अफसरों की मौजूदगी में नगर तहसील क्षेत्र के जमुआ और नंदगवा गांव में माफिया की जमीन कुर्क की गई है। वहीं आगरा के थाना निबोहरा क्षेत्र के हीरापुरा में पुष्टाहार बांटने गई आंगनबाड़ियों के साथ धक्का मुक्की हुई है। वहीं गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार वितरण में जमकर छीना झपटी भी हुई है। आपको बता दें कि गांव की महिलाओं ने आंगनबाड़ियों से पुष्टाहार छीना। वहीं आंगनबाड़ी ने महिलाओं के खिलाफ थाने में शिकायत दी है। छीना झपटी का वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये घटना हुई है, जहां पर पोषण आहार लेने गई महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है और आपस में ही छीना छपटी की गई है। साथ ही आपको बता दें कि गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार वितरण में जमकर ये छीना छपटी की गई है। साथ ही साथ गांव की महिलाओं ने आंगनबाड़ियों से पुष्टाहार छीना और आंगनबाड़ियों ने महिलाओं के खिलाफ थाने में शिकायत दी है। आपको बता दें कि इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मेरे साथ राशन छीन लिया। अच्छा, हाँ, किन लोगों ने राशन छीन लिया? शशि, हाँ, वाइफ, नित किशोर। नित किशोर, हाँ। ये वहीं के हैं? हाँ, पूरा कट्टा ले गई। पूरा कट्टा ले गई नहीं, हाँ। तो किसी को राशन बट पाया कि नहीं बट पाया? 33 लोगों को बटिया है, बाकी का सारा राशन। तो आगरा से खबर बता रहे हैं, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जो महिलाएं वहां पर राशन लेने गई थी उनके बीच में छीना छपटी हुई है और इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं रेलवे महानिरीक्षक ने आगरा का दौरा किया। आरपीएफ आईजी रविंद्र वर्मा ने आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है। महानिरीक्षक रविंद्र शर्मा ने रेलवे की संपत्ति पर नजर बनाए रखने के लिए 7 मोटरसाइकिलें उपलब्ध कराई हैं। वहीं महानिरीक्षक रेलवे ने हरी झंडी दिखाकर मोटरसाइकिलों को रवाना किया है। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर महानिरीक्षक ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी है। आगरा मंडल में पे निरीक्षण के लिए मैं आया हूँ। ये सिक्योरिटी रिलेटेड क्या क्या यहाँ पे एक्टिविटीज है या क्या समस्याएं हैं, और बीच में कोविड के समय थोड़ा मूवमेंट हम लोग का कम था, तो उसके बाद आया हूँ अभी। और अभी आप लोगों ने देखा, मुझे बहुत खुशी है कि इस मंडल में आरपीएफ के लिए जो सबसे जरूरी है मोबिलिटी, तो अभी टोटल 17 मोटरसाइकिल अभी तक आगरा मंडल में डीआरएम साहब ने सैंक्शन किया है, और जिसमें अभी 7 आज मिला और बाकी 10 पहले मिल चुके हैं। हर पोस्ट पे आरपीएफ को व्हीकल्स भी है और मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम भी है। तो रेलवे महानिरीक्षक ने आगरा का दौरा किया है और आरपीएफ आईजी रविंद्र वर्मा ने आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करके संपत्ति पर नजर बनाए रखने के लिए 7 मोटरसाइकिलें भी उपलब्ध कराई हैं। आपको बता दें कि महानिरीक्षक रेलवे ने हरी झंडी दिखाकर मोटरसाइकिलों को रवाना किया। वहीं मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर महानिरीक्षक ने प्रेस वार्ता कर इस बात की पूरी जानकारी दी। रुक करते अगली खबर की ओर। आगरा के अछनेरा थाना क्षेत्र के किरावली में नकली शराब की फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी की है। यहां केमिकल से सैकड़ों लीटर अवैध शराब बनाई जा रही थी। वहीं पुलिस ने मौके पर से 2 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस ने तस्कर के पास से शराब का जखीरा भी बरामद किया है। आपको बता दें कि ढाबे की आड़ में अवैध शराब की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। तो आगरा से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि नकली शराब की फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है और यहां से केमिकल से सैकड़ों लीटर अवैध शराब भी बनाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने मौके से 2 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भी भेज दिया है।
आपको बता दें कि पुलिस ने तस्कर के पास से शराब का जखीरा भी बरामद किया है। साथ ही साथ ढाबे की आड़ में अवैध शराब की ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी। देखिए, आप जैसे पता है आपको, ये थाना अचनेरा चौकी करावली का क्षेत्र है। यहाँ मऊर कट के पास एक हर्ष ढाबा है जी। जिसे आप देख रहे हैं, पीछे एक फैक्ट्री, शराब फैक्ट्री पकड़ी है जी। हमारी पुलिस ने ये यहाँ पर बड़ी मात्रा में 100 पेटी शराब बनी हुई पकड़ी है और 500 पेटी से ज्यादा की क्षमता का केमिकल हमने पकड़ा है और इसके सामग्री थी, मशीनें थी, सारी वो जब्त की है पुलिस ने। और दो व्यक्ति मौके से पकड़े गए, और भी दबिश दे रहे हैं। और ये ढाबों में सप्लाई करता था और कई ऐसा पता चल रहा ठेके भी सप्लाई करता था। तो हमारी तीन टीमें गठित की गई है। जो खबर प्रतापगढ़ से है, जहाँ कोरोना काल के कारण स्कूल और कॉलेज बंद किए गए हैं, जिसके कारण स्टेशनरी व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। वहीं सरकार द्वारा भी इन व्यापारियों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं वो लालगंज बुक डिपो का है, जहां पर दुकानदार काफी परेशान है क्योंकि कोरोना के चलते स्कूल और कॉलेज बंद है, जिनके कारण जो स्टेशनरी शॉप्स हैं वो पूरी तरह से बंद चल रही है और जो यहाँ के व्यापारी हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मार्च 2020 से लेकर अब तक स्टेशनरी के व्यापार में और स्टेशनरी के व्यापारियों की जो हाल हुई है वो वही जान सकते हैं और उनसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता। जब से स्कूल बंद हुए हैं पढ़ाई चौपट हो गई है और ना तो कोई कॉपी किताब लेने वाला है, ना कहीं से कोई व्यापार का और जरिया बन सकता है। उन लोगों के लिए केवल एक रास्ता था कि स्कूल खुले, बच्चे आए, कॉपी किताब बिके तो उनको मुनाफा हो। प्रतापगढ़ से खबर बता रहे हैं आपको, जहां कोरोना काल के चलते सभी स्कूल और कॉलेज बंद है और ऐसे में जो स्टेशनरी शॉप्स हैं उनके जो मालिक हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ऐसे दुकानदार जिनकी रोजी रोटी स्टेशनरी शॉप से चलती थी, लेकिन जिस तरह से कोविड के दौरान सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं, ऐसे में उनकी दुकान पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। वहीं आगरा के थाना सदर क्षेत्र में एक ढाबे के पास मामूली बात को लेकर कई लोगों में विवाद हो गया, जिसमें दो युवकों की जमकर पिटाई हुई है। वहीं मारपीट का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। मौके पर पहुंची सदर पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया है। तो आगरा से एक खबर है, जहां पर मामूली बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और देखते देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में मारपीट शुरू हो गई। आपको बता दें कि इस हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं, साथ ही इस घटना का पूरा वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि मृतक की जेब से आधार कार्ड मिला है, जिससे शव की शिनाख्त हो पाई है। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई भी पुलिस ने शुरू कर दी है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला और इस पूरी घटना से इलाके में काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस को युवक के पास से आधार कार्ड मिला है, जिससे कि शव की शिनाख्त हो पाई है। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही साथ पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हमीरपुर के कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग के सुमेरपुर फैक्ट्री के पास एक होटल में तेज रफ्तार ट्रक अंदर चली गई। वहीं होटल में सो रहे कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे में होटल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। तो हमीरपुर से ये खबर बता रहे हैं, जहां पर कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग के सुमेरपुर फैक्ट्री के पास एक होटल में तेज रफ्तार ट्रक अंदर चला गया और होटल में सो रहे कर्मचारी से गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। आपको बता दें कि हादसे में होटल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। ये रात 3 बजे की घटना है। अंदर हम कमरे में सोए हुए थे कि डंपर वाला इतना नशे में था, ड्राइवर ये इतना नशे में था, उसको होश नहीं था। और पूरा होटल तो आप देख ही रहे हैं,
गिर चुका है और हमारे चोटें भी काफी आई हैं। भगवान की दया से ये है कि हम बच गए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।